हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, समोसे की रेसिपी। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे समोसे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए रोज समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो एक बड़े बॉल में हम 2 कटोरी मैदा डाल देंगे, मंगरेला अजवाइन लेंगे 1/2 टेबल स्पून, इसे हम हाथों से क्रश करके इसमें डाल देते हैं। नमक डालेंगे 1/4 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे। चलिए इन सबको हम मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऑयल डालने से ये बहुत ही खास्ता बनता है। तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एक डो बन के रेडी हो चुका है। तो हम इसे 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बॉल में 4 उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मैश करके ले लेंगे। उसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, खटाई लेंगे 1 टेबल स्पून। आप यहाँ पे चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ 2 बड़े चम्मच हम कॉर्न फ्लोर लेंगे। आप यहाँ पे चावल का आटा का भी यूज कर सकते हैं। इसे डालने से ये अच्छी तरह से बाइंड होगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगी। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चलिए इसका हम बॉल बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टफिंग का हम एक गोल सा बॉल बना करके सारा रख लेते हैं, रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टफिंग का मैंने बॉल बना करके रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने जो डो बना के रेडी कर लिया था, चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है जो हमने डो बनाई थी। तो चलिए अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसका लोई बना लेंगे और चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम कोई भी फ्लैट सरफेस पे रख करके इसे हम बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे ना ही ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला बेलना है। तो चलिए हम इसे लंबा सा बेल करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने लंबा सा बेल लिया है। तो अब हम एक कोई सा भी एक कटोरी ले लेंगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो अब इससे हम कट करेंगे इसे पूरी के शेप में। तो फ्रेंड्स, एक बार में जितना शेप कट जाए आप उतना इसमें से निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 पूरी कट कर ली है और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है हम उसे इसमें से निकाल लेते हैं और पूरी को अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैंने 4 पूरी बना कर रेडी कर लिया है। अब नाइफ के हेल्प से हम इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, नाइफ से हमें इसे हाफ कट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। तो चारों साइड से हम इसे कट कर लेंगे और बीच में हम स्पेस रहने देंगे जहाँ के हम स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे चारों साइड से मैंने कट कर लिया है और बीच में हम कुछ स्पेस छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बाउल में 3 बड़े चम्मच मैदा ले लिया है। उसमें हम पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट बनाते हैं और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैदा का पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक स्टफिंग को लेंगे और इसके बीच में रख के मैदे के पेस्ट से इसे लगा देंगे। फ्रेंड्स, तो मैदे के पेस्ट को चारों साइड से हम लगा देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं और अच्छी तरह से बंद रहे, और इसमें चारों साइड से हम अच्छे से मैदा का पेस्ट लगा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सारे समोसे को हम ऐसे ही बना करके रेडी कर लेते हैं। चलिए तो अब हम इसे फोल्ड करते हैं। तो हम फर्स्ट लेयर को उठाएंगे और स्टफिंग के चारों ओर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लपेट देंगे। अब हम सेकेंड लेयर को उठाएंगे और फर्स्ट लेयर पे रखते हुए अच्छी तरह से इसे भी प्रेस कर देंगे चारों तरफ से। अब थर्ड लेयर को उठाएंगे और फर्स्ट लेयर पे रखते हुए इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं।
अब फाइनली फोर्थ लेयर को उठाएंगे और इसके चारों ओर हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चिपका देंगे। फ्रेंड्स तो ये देखिए, ये हमारी रोज़ समोसे की डिज़ाइन बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लग रही है ना बिल्कुल रोज़ जैसे। तो चलिए हम अपने एक और बना करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके फर्स्ट लेयर को स्टफिंग के चारों ओर रखेंगे, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फ्रेंड्स। तो फ्राई करने से पहले हम एक समोसा को ले लेंगे और हमने जो मैदे का घोल बनाया था उसे हम इसके ऊपर में डाल देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये इसका आलू जो होता है वो बाहर ऑयल में आके फैल ना जाए। तो चलिए अब हम यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया था, तो हम समोसे को इसमें डाल देते हैं और हम अभी इसे मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम पलटते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड से डीप फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स आप ये समोसा बना के ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुकी है, ये देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स तो फाइनली हमारी रोज समोसा बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे जरूर बना के ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।